बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आजकल म्यूसियन पे हर तरफ सेल चल रही है, लाइक 80% तक क्रेज़ी सेल चल रही है, जिसमें इनकी मैंने ये लिपस्टिक्स ऑर्डर की हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने ये देख लिया था और एंड शी वाज गोइंग क्रेज़ी कि 99 की लिपस्टिक है, 99 का लाइनर है, आई वांट। तो मैंने ये लाइनर और लिपस्टिक्स ऑर्डर किया है, जो कि अभी आदमी आके लेके आ चुका है और इसका रिव्यू शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं पार्सल लेने जा रहा हूँ, बच्चे रास्ते में खेल रहे थे और ये कुत्ते वगैरह के साथ, बच्चे मतलब ये दिखा रहा हूँ बहुत ईजीली खेलते हैं, इन्हें कुछ नहीं पड़वा। अच्छा, वेल ये आ चुका है हमारे पास पार्सल, शी इज़ गोइंग टू ओपन, इसको ओपन करने जा रही है एंड आई विल, और इसको इतना नहीं पता कि ये पार्सल लिटरली ओपन कैसे मैंने करने, फिर मैंने इसको बताया कि फाड़ लो इसे, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे। तो ये म्यूसिन की तरफ से आ गया था, म्यूसिन डॉट ऑफिशियल की तरफ से, ठीक है। आजकल तो म्यूसिन के पेज इतने ज़्यादा है, .pk, museum.com, आई डोंट नो कौन कौन से हैं। तो इनके तो ये इन्होंने लिपस्टिक भेजे और ये मेरा ऑर्डर नंबर था, मे बी जिसके ऊपर इन्होंने ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है। ये अंदर से लिपस्टिक्स निकली हैं और शेड्स आर लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल, मतलब काफ़ी अच्छे न्यूड से सेसी पिंक से कलर के ये है। तो ये है, देख लें आप, ये कुछ इस तरह के है, जिसमें मैंने हॉट बेबी पिंक है, जो वो हॉट पिंक है सॉरी, वो दो ऑर्डर किए हैं और एक इसमें फ्लर्टी है, जो दो ऑर्डर किए थे, मेरी सिस्टर भी ये चाहती थी तो फिर उनके लिए भी कर लिया। बाय द वे ये पैसे मेरी वाइफ ने ही पे किया, मैंने नहीं भी पे किए, मैं तो अपनी चीज़ नहीं मंगवाता। अच्छा वेल, ये आ गई है लिपस्टिक्स, ये हमने लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी तो बहुत ज़बरदस्त है, ये पूरी वीडियो आपने डिटेल में देखनी है। अच्छा, ये सबसे पहला कलर हम लगाने लगे हैं हॉट बेबी, यस हॉट पिंक नहीं, हॉट बेबी। और इसके बाजू पे ये जो निशान है, इसकी शादी पे जो मेहंदी लगी थी ना, 7वां हो चुके अभी तक वो लगी हुई है। तो ये है इसका स्वॉच, काफ़ी ज़्यादा वेलवेटी लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच है इन कलर, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है कलर। तो इट्स अ काइंड ऑफ रेड पिंक सी शेड है। देन इसके बाद हम ट्राई करने लगे हैं फ्लर्टी शेड, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था बाय द वे। एंड दिस शेड रेड और पिंक के दरमियान है, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल पिंक कलर, रेड के बाद एक लाइट सा ये पिंक कलर लग रहा है, ठीक है। देन इसके बाद जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है, ये हमने फ्लर्टी फ़िलहाल अप्लाई किया, उसके बाद हम यूज़ करने जा रहे हैं कौन सी शेड है, चल भाई शेड है नोटी, हाँ दिस शेड इज़ नोटी, हम अप्लाई करने जा रहे हैं शेड नोटी, जो कि थोड़ा सा अब इससे भी न्यूट की तरफ जा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे तो बट आई ऑर्डर दिस, ठीक है, ये देख सकते हो, ये एक ब्राउन सा स्किन सा बहुत प्यारा सा कलर है, न्यूडिक ये बहुत ही प्यारा कलर है ऑनेस्टली। तो देन है यहाँ पे मैंने कौन सा कलर देखा है, सॉरी गुजर गया, मैं इसके ऊपर नाम लिख दूँगा, ये एक और पिंक कलर है, ये बेबी पिंक कलर है, ये एक रेड, फिर मरजंडा पिंक, फिर एक ब्राउन सा, और देन ये एक है इसमें ये कलर है, और इसका नाम क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। म्यूसिन की ये लिपस्टिक है कुछ इस तरह का। अच्छा, बात कर लेते हैं इस मेटेलिक आईलाइनर की। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग 10/10, उसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। लास्टिंग के बारे में आगे बताता हूँ। लिप्स को हल्का सा मॉइस्चराइज करते हैं, स्किन पे इजी फील होते हैं, लिप्स पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ये मैंने आप ही को भी लगाया है, इसको भी लगा के इनसे मतलब मैंने कंफर्म किया था कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा, ये ओपन करने के साथ अंदर से कुछ इस तरह का लगता है और इसके अंदर हमें ना एक पेन टाइप मिलता है, इसके अंदर से ही हमें वो क्या बोलते हैं इसका टिप, तो ये अप्लाई किया था और ये देखना घंटे बाद, घंटे नहीं सॉरी 10-15 मिनट बाद मैंने हल्का सा रब किया थोड़ी उतर रहा था, दिस इज़ नॉट वाटरप्रूफ एट ऑल। और अब लिपस्टिक्स के बारे में बात कर ले तो ये लिपस्टिक्स अभी ड्राई नहीं हुई थी लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो आई वुड से कि एवरेज है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो।